दोस्तों, एमके फ्लेक्सीपैक अहमदाबाद गुजरात में मैं मुकुंद परमार आपका स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, सब जगह पे हमारे पेजेस है। सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि जो पेजेस अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन यूट्यूब पे है तो दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आपको समझ में आए कि हम क्या काम कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं और क्वालिटी क्या होती है। ये जो आपको राज चाय का पाउच दिख रहा है, ये देखिए 250 ग्राम और 100 ग्राम दो पाउच हमने बनाए। आपको प्रिंटिंग क्वालिटी दिखाया था कि एक एक, कई कस्टमर हमें बोलते हैं सर पूरा डिटेल में देखे, देखिए चाय का कप, ये वो, इलायची बागान पीछे का, ये तो एक एक चीज़ हम दिखाते हैं और समझते हैं और पूरा नॉलेज देते हैं और शेयर करते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। अगर आपको चाय का आपका खुद का ब्रांडेड कस्टमाइज पाउच प्रिंट करवाना है तो आप हमारे पास करवा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको साइज़ देना पड़ेगा, जैसे ये 250 ग्राम का है। और साइज़ कैसे नापते हैं, ये साइज़ भी हम आपको दिखाते हैं, आगे और पीछे, ये बीच में सेंटर में सीलिंग है, यानी कि सेंट्रल सील पाउच बोलते हैं। ये 250 ग्राम, 100 ग्राम सेंट्रल सीलिंग पाउच, सेंट्रल सील पाउच है। ये पाउच का टाइप हो गया, मटेरियल ये दिख रहा है आपको कि ये थ्री लेयर है, थ्री लेयर में थिकनेस वगैरह होती है वो बताते हैं। और एक पाउच की साइज़ चाहिए, तो ये देखिए फ्रंट का जो है वो फ्रंट का ये लेफ्ट टू राइट हो गया, वो विड्थ हो गया, ये जो अभी नाप रहे हैं, और ऊपर से नीचे उसको लेंथ बोलते हैं। ये जीरो से लेकर परफेक्ट टॉप पे रखिए, और ये रख के आप नीचे से देखकर आप देख सकते हैं ये 16 सेंटीमीटर यानी 160 mm, ये mm में हमें चाहिए साइज़, इंच में मत दीजिए। इंच में थोड़ा आगे पीछे होता है, एक इंच यानी 25.4 mm होता है, लोग 25 गिनते हैं, ऐसा नहीं गिना जाता। ये देखिए ये परफेक्ट 21 सेंटीमीटर यानी कि 210 mm, ऊपर से नीचे 210 mm यानी कि लेंथ हुआ, और लेफ्ट टू राइट जो नापा 160 mm वो पाउच का विड्थ हुआ। ये 160 mm बाय 210, 210 mm का ये 250 ग्राम चाय का पाउच हुआ। ये गुजरात की चाय की साइज़ है, सब लोग अपनी अलग अलग साइज़ रखते हैं, तो आपको ये साइज़ दिखाना है। और सेंट्रल सिल्क की जो पट्टी होती है वो 10 mm, और ये पीछे 10 10 mm, ये 20 mm, और जैसे आगे हमने नापा था 160 mm, वैसे ही ये पीछे 160 mm होता है। हर स्टेट में अलग अलग साइज चलती है, तो ये परफेक्ट नाप के आपको हमें साइज़ देनी है। साइज़ देंगे तब हम आपको एक परफेक्ट कॉस्टिंग दे पाएंगे। सीधा रेट नहीं मिलता है, सीधा केजी पे भी कुछ नहीं होता है, वो ठगाई का बहुत बड़ा रास्ता है। ये देखिए जीरो से 100 ग्राम का ये साइज़ आपको दिख रहा है, ये 120 mm, ये पीछे भी जाएगा ये 120 mm, 10 10 mm सीलिंग यानी 120 120, 240 प्लस 10 10 mm यानी कि 20 mm सीलिंग यानी 260 260 mm बाय ये ऊपर से नीचे उसका लेंथ जाएगा, ये जा रहा है 170 70 mm, मतलब 170 यानी कि ये हो गया 260 120 120 240 प्लस 20 सीलिंग, तो 260 बाय 170, और ये हो गया आपका 340 बाय 210। परफेक्ट साइज देंगे, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग साइज चलती है, तो सीधा रेट नहीं आता है। जो लोग अगर आपको किलो पे रेट बोलते हैं कि इतना रुपया किलो, उससे आपको समझ में क्या आता है। दोस्तों मैं कई बार बोलता हूँ लेकिन कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन जब मैं पाउच का परफेक्ट कॉस्टिंग दूंगा तो आपको ये समझ में आएगा। ये थ्री लेयर का पाउच बनाया है, और ये विथ सिलेंडर प्रिंट होता है, तीन पार्ट में काम होता है। सबसे पहले डिज़ाइन बनती है, ये राज चाय की हमने अलग अलग डिज़ाइन बनाई, अलग लेआउट दिखाए, लेआउट दिखाने के बाद फाइनल किया, और उसके बाद ये लेआउट फाइनल हुआ, CDR फाइल बनी, तैयार हो गई। ये जो एक डिज़ाइन बनती है वो 3,500-4,000 रुपये 5,000 रुपये के बीच में, अलग अलग आर्टिस्ट हमारे पास है, तो आप हमें बात कर सकते हैं। नीचे मेरे सन का मीत परमा का नंबर दिया है, और ये लेफ्ट में आप देखेंगे राइट साइड पे नीचे, तो ये मेरा नंबर है, आप बात कर सकते हैं। ऑफिशियल टाइम पे बात कीजिए और हम आपको पूरा समझाएंगे कि ये क्या क्या होता है। डिज़ाइन का कॉस्ट आ गया, ये देखे प्रिंटिंग होने के बाद, सिलेंडर से प्रिंटिंग होने के बाद ये सैंपल निकला। अब ये जो प्रिंटिंग होता है वो सिलेंडर से प्रिंटिंग होता है, तो सिलेंडर जितने कलर का, जैसे ये डिज़ाइन है तो ये 6 कलर का डिज़ाइन है, तो ये 6 कलर में CMYK प्लस ग्रीन और ये वाइट, ऐसे 6 कलर का डिज़ाइन हुआ, तो 6 कलर के सिलेंडर बनते हैं। और 250 ग्राम के अलग, 100 ग्राम के अलग, जितने ग्राम के होते हैं उतने ग्राम के अलग होते हैं। एक सिलेंडर का खर्चा 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में आता है। लोग बोलते हैं सिलेंडर का कॉस्ट क्या है, सिलेंडर का कॉस्ट सीधा नहीं निकलता है। जैसा हमने ये पाउच साइज दिखाया आपको, ये 160 बाय 210 यानी कि 340 बाय 210 पूरा हमें परफेक्ट मिलेगा, तब उसका सिलेंडर का लेंथ, सिलेंडर का सरकमफेरेंस, ये जो गोलाकार होता है उसका सरकमफेरेंस बोला जाता है, तो सरकमफेरेंस ये परफेक्ट देख के हम आपको उस
उसका सिलेंडर का कॉस्ट बता सकते हैं कि पर कलर का इतना पड़ेगा और टोटल कॉस्ट इतना होगा, तब आपको ये सिलेंडर का वैसे 30-35-40 हज़ार रुपया सिलेंडर का खर्चा आता ही आता है। ये रोटोग्राफ में प्रिंटिंग कराने के लिए आपको डिज़ाइन का और सिलेंडर, ये वन टाइम होता है, दोबारा बाद में बनाने की जरूरत नहीं होती है, बाद में सिर्फ मटेरियल बनता है और तीसरे पार्ट में आपका क्वांटिटी बनता है, आपकी क्वांटिटी कितनी करवानी है। देखिए लेमिनेशन हो रहा है, तो लेमिनेशन में आप ये देखिए एक 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 डॉट प्रिंटिंग, वो लेमिनेशन होने के बाद और निखार आता है, फाइनल लेमिनेशन इसका तीसरा होता है तो और निखार आता है, जब पाउच बनता है तो और निखार आता है। आपको हमने पाउच दिखा दिया, तो ये क्वांटिटी पे उसका रेट डिपेंड करता है, क्वांटिटी निकलती है क्वांटिटी पे रेट आगे पीछे जाएगा, 1.5 लाख का लगभग इन्वेस्टमेंट आता है। कई बार अगर अच्छे कस्टमर है तो हम कम क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं, तो उसका 1.5 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता ही होता है। उसके बाद दूसरे अलग अलग रास्ते हैं कम इन्वेस्टमेंट, तो एक वीडियो आपको बना देंगे अलग से जिसमें आपको समझाएंगे कि अगर आपके पास कम पैसा है, 10,000 है तो कैसे काम किया जाता है, 25,000 में काम कैसे किया जाता है, 70-80,000 में काम, तो अलग अलग रास्ते हैं। अलग वीडियो से हम आपको पूरा डिटेल से समझाएंगे। हमारे वीडियो देखते रहिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए यूट्यूब पे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमको पूरा नॉलेज हम आपको जो शेयर करते हैं वो दे सके। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हैं तो दूसरे हमारे 5-10 वीडियो देखिए तो पूरा नॉलेज मिलेगा। आइए जुड़िए, आगे बढ़ते हैं।